तारीख है 14 जुलाई 2022, समय हो गया है 08:39 PM। ये वीडियो मैं बना रहा हूँ रिकवरी की, इसराइल से रिकवरी है मेरी, मैंने लेने हैं $100 trillion है। तो ये ऐसे तो देगा नहीं, वहाँ पे पंजाब से सिख जाएंगे सब, पंजाब पुलिस आप लोग लीड करोगे, हितेश रेवन मेरी रिकवरी है, मैंने पैसा लेना है, ठीक है। रेजर्स और बाकी सब मंत्र चला रहे हैं, मेरा पैसा रोक रहे हैं, बहुत समय हो गया। पैसा तो है अंदाजन कोई 2500 ट्रिलियन US डॉलर जाएगा, बिल्कुल जाएगा पेनल्टी लग के। वहाँ जाके आपने क्या करना है, तेल अवीव में गुरुद्वारे का निर्माण होगा, ठीक है ना, हरमिंदर साहब के पास बाद धरती पर दूसरा सबसे बड़ा गुरुद्वारा बनेगा वहाँ पे, समझ में आ गई। गुरुद्वारे का निर्माण करेगी टीम, हरमिंदर साहब की टीम जाएगी वहाँ पे, गुरुद्वारे का निर्माण करने के बाद वहाँ पे जो है क्या कहते हैं लंगर प्रसाद चालू होगा, लंगर चालू होने के बाद जो है लंगर हाँ सब बनेगा वहाँ पे, और टीम जो है रिकवरी शुरू करेगी, हर घर की तलाशी होनी है, सारी वैल्यूएबल्स लेनी है। हीरे जवाहरात हमारे लिए कोई वैल्यू नहीं होती, एंटीक कोई वैल्यू नहीं होती है, कबाड़ में है सब, सब कबाड़ में, बोरों में भरो, लाल किला लेके आओ। मैंने पहले किया हुआ है ना, मुझे मालूम है ना मैं कौन हूँ। अभी पता लगेगा ना इसको मिफ्ताली को, मतलब इन्होंने इतना दिमाग खराब कर रखा है। अभी अभी बात करूँगा ना, अभी ये यूएस में जो है ना मिसेज मर्फी, क्या नाम था, अभी तुझे मैं बताता हूँ, तुम्हें जुइश हो तुम, मैं तुम्हारी देखो कैसी बकी हो देता हूँ। उसके बाद वहाँ से रिकवरी है गोल्ड, वो आता है डिटेक्टर आएगा CISF के पास होता है गोल्ड डिटेक्ट करने का, मेटल डिटेक्टर जाएंगे यहाँ से, जमीन के नीचे होंगे, समझ में आई, खोद खोद के निकालो। और जो ज्वेलरी कॉइन्स जो भी रिकवर करोगे गोल्ड, सबको गला के ब्रिक्स बनानी है, गोल्ड बार बनेगी, 9 किलो 900 ग्राम कुछ की बनती है, 9 किलो 999 ग्राम की बनेगी लगभग, 10 किलो की बनती है एक गोल्ड ब्रिक, बना के इकट्ठा करना है और सबको लेके आना है यहाँ RBI में, हितेश रेवन वॉल्ट तैयार होगा। जब तक रिकवरी पूरी नहीं होती तब तक काम चलता रहेगा, सिखों को बाकी रेजिमेंट्स सिखों को वहाँ पे क्या कहते हैं बसाएंगे वहाँ पे, जो है मेरे को सिख दिखने चाहिए वहाँ पे। पहले आप सारे एयरपोर्ट खाली कराओगे, ठीक है ना, अपने कब्जे में लोगे, नहीं नहीं पब्लिक को मारना नहीं है किसी को भी, समझ में आई, अगर कोई मूड में आएगा फिर को बिना देर करे ऐसी की तैसी काट के फेंक दे पूरा इसराइल, हमें कोई मतलब नहीं है, समझ में आ गई ना। हाँ स्प्रे ले जा, अलाउड है, स्लीपिंग स्प्रे आता है ना वो ले जा, स्लीपिंग स्प्रे फेर दियो, सोते रहेंगे, उठाकर सबको साइड कर, तलाशी ले अच्छे तरीके से, दांत वाँत सब निकाल लियो। मैं बताता हूँ इन्हें, यह मेरे को बेवकूफ समझ रहा है मिफ्ताली, इसे पता नहीं है जहाँ जहाँ मैंने रिकवरी करी है मैंने क्या हाल किया वहाँ का। मोदी को पता नहीं है मोदी के साथ पहली रिकवरी कैसे करी थी, इसके दांत निकाल लिए थे प्लास से मैंने सोने के, गोल्ड के गोल्ड का इसका एक वो लगा हुआ था जबड़ा। हाँ पहली बार जिस दिन इसने पंगेबाजी लिए थे ना, निकाल ले बहन के लौड़े इसकी ऐसी की ऐसी, चूतिया समझ रहा है यार, बता यार। उधर उधर मैं बता रहा हूँ ना पैसा कितना, अंदाजन 2500 ट्रिलियन US डॉलर है, बहुत समय से पैसा रोका हुआ इसने, बहुत समय से तंग कर रहा है इसराइल। हाँ इनका जूस बनाता हूँ मैं बहुत समय से। हाँ मेरे यार मेरे अंगूठे पे दिव्य अक्षर है, इनकी क्यों माँ चुदरी बहन के लंडो की है, मैं हिंदू हूँ श्री राम भक्त हूँ सनातन धर्मी हूँ, इनकी क्यों माँ चुदरी है, पूरे इसराइल को उधेड़ के फेंक दूंगा बहन के लंटो, तुम जानते नहीं हो मेरे को मैं हूं कौन। अभी सुनो इसराइल से है अंदाजन 2500 ट्रिलियन US डॉलर, ICJ भी नहीं बोलता भाई साहब, मुझे मालूम है ना 100 ट्रिलियन US डॉलर के बाद इसराइल ICJ नहीं बोलता, मिलिट्री ऑपरेशन सीधा कहता है, उन्हें पता है ना, ICJ ने खुद कई बार मैसेज भेजा, बाइडन बदमाश बन के जा रहा है, मगर ये कौन है, कह रहा बाइडन है, कौन है ये, कह रहा बाइडन में तो मैं भी जानता हूँ, है कौन ये, अमेरिका का बदमाश, अच्छा ये। अबे एक भी झापड़ मार दिया ना हवा में इसका नाम लेकर के, इसके अंदर से ना जीसस अहूर मजदा लहुड़ मजदा सब भग जाएंगे बहन के लंडों के। पैसा मां का लोड़ा भोसड़ी का मिफ्ताली इजरायली संसद धरती का भैंसड़ी वाला क्या कहता है ज्यादा बड़ा बदमाश बन रहा है, कहीं किसे ही फोन कर दे,
अमेरिका से पैसे की बात हो रही है तो अमेरिका को पैसे नहीं देने देगा, सऊदी से बात हो रही है तो सऊदी को नहीं देने देगा मेरे पैसे, हैं? उधर इमरान खान को नहीं देने देगा पैसे। तो बहन के लौड़ा, फिर तुम्हारी मां नहीं चोदू तो किसकी मां चोदू? 2500 ट्रिलियन $ है, एक बात। दूसरी बात, काट के फेंक दो पूरा इसराइल, मां के जूर में जान दे बहन के लौड़ो, हमें क्या मतलब, भगना नहीं चाहिए कोई, पूरा इसराइल की तलाशी होगी। हाँ टीवी वी वी सब, वो तो खैर वहीं रहने दो, सिख वहीं पे रहेंगे ना, यार जात हो रहे हैं यार, समझ में आ गई ना, जात हो रहे हैं। हाँ परिवार के साथ भी जाओ, क्या दिक्कत, आना जाना लगा रहेगा, 3 महीने की ड्यूटी है, 20 दिन की छुट्टी मिलेगी, आना जाना, जेट सेलेक्ट कर लो, 2-3 एयरलाइन सेलेक्ट कर लो, आराम से जाते रहेंगे, ठीक है। पैरा SF टेल अवीव एयरपोर्ट कब्जे में लो, सिखा रहे हैं वहां पे, पैरा SF एडग्राफ खाली कराओ, चलो। और जगह देख करके मां का भोसड़ा इन बहन के लड़ो, जेरूसलम होगी बहन की जूती की, भोसड़ी वाला खोद दूंगा पूरा जेरूसलम, बता बहन का लेट बता, चूतिया समझ रहे यार। उधर सऊदी वाहबियों से उस दिन, अभी रुक, इंडोनेशिया की भी मां चोदूंगा, अभी तू रुक, $32,000 ट्रिलियन $ वाहबियों से लेना है सऊदी में, और वैलिड पैसा है $32,000 ट्रिलियन $ रिकवर करो। हितेश रेवन, पैसा मेरा पर्सनल है, कोई का एजेंसी चाय एजेंसी का नहीं है। इधर 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 भेड़ कर इमरान खान, यहां माचू द्वारा भूस लिया, तो पागल हो गया क्या? मां करो, मैं इतना हरामी किस्म का आदमी हूं ना, नंगी कर करके भेजो तुम्हारी मां चोद दूंगा मैं, लंड नहीं समझता मैं मीडिया को, कब मीडिया मुझे धमकी दे रहे हो, एलिजाबेथ करो भोसड़े में से मैंने निकाल लिया कोई नूर, लंड समझूंगा तुम्हें, इतने बार इतने के बाद भी तुम अकल नहीं आ रही है, बता यार। अब एलिजाबेथ बैठ के लड़ क्वीन होगी तुम्हारी, मैंने मर्डर केस इन्वेस्टिगेट किया सिर्फ डायना की वजह से, कौन प्रिंस चार्ल है, क्या है ये बहन के लड़ मेरे आगे क्या है, मां चुनने देना मोदी की, मुझे कोई पर्सनल रिकवरी है मेरी, वो समझे पॉलिटिकल जो भी है, मुझे कोई मतलब नहीं है। अबे क्वीन एलिजाबेथ के भोसड़े में से निकलवा लिया था मैंने कोई नूर, मैं बहन की लोड़ियों की नंगी कर करके ना, नहीं गांड में से भी निकाल लूंगा मैं सोने के सिक्के, चूतिया ना समझे मेरे को, मेटल डिटेक्टर लेके जाओ, बहन के लड़े तेरी माँ के चूत भोसड़ी के मिताली, बता पहलवान बना फिर रहा है कभी, हाँ कभी नवाज शरीफ को फोन कर रहा है, कभी मोदी को फोन कर रहा है, बहन के लौड़ा आते पहले तेरी माँ चोदनी शुरू करी, अब समझ भाई, चले पूरा इसराइल काट के फेंक दो। जब ईरान की माँ चोदने पे उतर गए थे ना हम, तब हाथ जोड़ के बैठ गए, तब पहचाना हितेश रे है कौन, समझ में आया, जब मैंने कहा काट के फेंक दो ईरान, जब मेरी टीम वाले पहुंचे, समझ में आ गई, तो वहां के लोड़े ना गांड पे हाथ लगाए घूमते थे ईरान के लोग भी, उसके बाद सब सुधरे हैं वहां पे, ऐसे नहीं सुधरता कोई, इसराइली इसराइल एक नहीं बचना चाहिए मां का लोड़ा, काट के फेंक दे सब, समझ भाई पैसा। और बात सुनो भैया, ओ अमेरिका में अगला नंबर जुइशों का है, पिछली बार मैंने वाबियों की मां चोदी थी, अमेरिका में अगला नंबर जुइशों का है, ट्रंप साहब ऐसा है, पैसा तय कर लो, समझ भाई, 10 करोड़ रुपए मेरे को एक जुइश काटने का बोला गया है, मैंने कहा साइन कर दे यार कोई बात नहीं, हैक आया कॉन्ट्रैक्ट कहीं से, बोल भाई इवन का ट्रंप पैसा फाइनल कर, जुइशों का अमेरिका में ना मां की चूत पहन के लौड़ा कि हम अपने आप समझेंगे, तू छोड़ ना पैसा फाइनल कर, वाबियों की तो मां चोदने में टाइम लिया नहीं, बैठ के लौड़े चूतिया समझ रहे यार हमारे को, यार पता काम खाई पूछ पूछ के काटेंगे पैर के लंडों को पिछली बार की तरह, तो रुक तो सही अभी। अब पैसे की बात मेरी है, इसकी क्यों मां चुदरी बहन की लोड़ी की, कहती बता ये मिसेस मर्फी तुम्हारी जज, कह रही IS से है, अच्छा क्या किसे रही है तू, मुझे कह रही है, मेरा ट्रैक रिकॉर्ड पता है तुझे,
है? हमने ना यूएसए में जो है ना, मुझे कोई मतलब नहीं, यूएस के जो नेटिव्स है ना वो क्रिश्चियनिटी को फॉलो करते हैं, मुझे कोई मतलब नहीं है बाकी मुसलमानों से और इस ये क्या कहता है जुइशों से या वाबी वाबी लोड़ा दर्शन में लड़ नहीं समझता किसी को, जब कोई मतलब नहीं है अमेरिका क्लियर करो जुइशों से पैसे बात कर ले, यहाँ बात बनेगी नहीं यार। हाँ इनकी माँ के छूत पहन के लंडोगी, हाँ तो ठीक है तो वहां का पैसा वहीं रख लेना, घर खाली करा के सुन इवन कटर में होमलैंड सिक्योरिटी में बात कर ले, बोल सुन मेरी बात सुन ले, तेरी मेरी बात हो रही है, सारे जूस क्लियर कर देंगे, जो वैल्यूबल आएगा वो वहीं पे जो है ना गोल्ड बार कन्वर्ट करके रख लियो, ठीक है ना। हाँ अमेरिका क्लियर हम करेंगे ना क्लियर, लड़ा हमने एक लंड तो समझा नहीं कुछ, नहीं 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 सिख नहीं, सिख तो यहाँ आ रहे हैं है? अरे क्लियर करने देना पहले यार, नेटिव्स रहेंगे वहां पे, बात खत्म है, ईसाई बात खत्म है, मैं उतना दिमाग लगाता ही नहीं, 10 करोड़ पर जुइश ये सुन लग गए, ओ बात सुनो, सारा पैसा खर्च किया है, उंगली नहीं उठा सकते मेरे पे, तो खर्च नहीं किया मैंने, इजराइल के लिए भी चाहिए, काट दे पहन के पूरा इजराइल काट दे, खाली करा दियो, गुरुद्वारा बनेगा, अबे यार क्यों गोल्ड वोल्ड लगवाते हो यार गुरुद्वारे पे, बढ़िया सा पत्थर ढूंढना यार है? नहीं नहीं सुनो, नहीं वो गुरुद्वारा ये जिस तरीके से बना है ऐसे ही बनेगा यार, जो गुरुद्वारे का तरीका वैसे ही बनेगा ना, मंदिर स्टाइल में नहीं बनता बेवकूफ, मकान की तरह बनता है, मकान होता है ना बिल्डिंग वैसा बनता है गुरुद्वारा, घर की तरह बनता है, मंदिर की तरह नहीं बनता भाई, घर की तरह बनता है, बिल्कुल देखने में घर लगना चाहिए तुमसे, गुरु का घर, तभी तो घर के घर में तभी तो गुरु का द्वारा होगा। तो रुक बहन के लोड़े, तेरी माँ की चूत मिताली बहन के लोड़े, ये भोसड़ी के साले मीडिया वाले चूतिया समझ रहे मेरे को, ये पता है मुझे क्या क्या याद दिला रहे, मैं तुम्हारी माँ की चूत में एक ही बात याद दिलाऊंगा तुम्हें, तुम्हारी गांड ना हवा लेके तो मेरा नाम भी हितेश नहीं, मैं बार बार कह रहा है स्पीड हमारी जो है 20 मिनट में 230 बंदे काट देते हैं हम, ये फिर चौड़े वाले बैठ के लोड़ा, कभी वियोन कभी CNN कभी आज तक कभी ये कभी इंडिया टुडे कभी संबित पात्रा कभी BJP इसमें बोला बैठ के लोड़े अरविंद कौन किसने गाना हैक किया था, हाँ इसको साथ ही ले चलो बहन के लंडो को और लेके जाओ यहाँ से जितने जुइश हैं, हाँ जी साहब ये लेके जाओ इस कॉलोनी के भी जो जुइश हैं लेके जाओ साहब को, सबको जहाज में बैठा के चले चले निकल ले यहाँ से, इंडिया से जो जुइश है सब निकल लो, ना 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 गंदा खूनी आनी बातें हम चल जा, गंदा खूनी आनी गिरेगा इस धरती पे, ठीक है वहां पे घर पहन के लड़ो साइड आकर के, क्रूड ऑयल बनाना है इसराइल में, अमेरिका में क्रूड ऑयल खरीदने की जरूरत पड़ गई है, मैं दिखाता हूँ क्रूड ऑयल कैसे बनाते, मारी भैंस की आग ड्रिल जमीन के नीचे लंबी तगड़ी और दह कटा कर काट काट के अंदर ही डाल दी और ऊपर से कर दिया बंद, कार्यमंडल ये क्या कर रहा है, मैं क्रूड ऑयल बना रहा हूँ, ये क्या भविष्य में तुम्हें दिक्कत नहीं होगी, यहाँ बर्दाश्त नहीं है यार, पता कोई बात है, बस जूश है IS IS तो हम क्या करें,
पूछ पूछ के काटेंगे बहन के लोड़ो आईएसआईएस धरती पे, एक नहीं जिंदा बचेगा। और जाते जाते पीएमओ वीएमओ निपटा के जाओ। हाँ जी हाँ, सिखों ये सब निपटा दो लेकर के, चलो चलो बाहर आ जा फटाफट गचागच, चलो निकल लो, बहुत भीड़ हो गई है। शून्य शून्य काल चल रहा है ये। अपर हाउस क्लियर है, बयान के चूत ने बयान के लड़े जूस होगी, हमें कोई मतलब नहीं है, हम तो उड़ा देंगे। बात कर लो होमलैंड सिक्योरिटी से, नहीं सर बहुत ज्यादा खरपतवार हो गई है अमेरिका में भी ना। चलो यहाँ से भारत से जो जूस है चुपचाप पहुंच जाओ पालम और जीएमआर, चलो पालम पे, हाँ पालम पे पहुंच जाओ, हाँ बोलो पालम ने बोला है पालम पे पहुंच जाओ। यार किसी दिन ये अपना असली नाम बताएगा, मैं कहा जिस दिन बता दिया ना उसी दिन बेटा तुम सबके जो है ना आग लग जाएगी। अरे सो ऐसा क्या नाम रखा, तेरा नाम माचिस है क्या? फिर लाइटर है, चकमक पत्थर है, नहीं फिर बालम है, माचला पे अड़के लाड़े तेरे से बात ही नहीं करनी। मैं कहा घर में जाके मत बोल दे, घर बात ही नहीं करनी तेरे से, काट दे पूरा इसराइल इनकी माँ के चूत कैलेंडर, पागल समझ रखा है ना ना, कभी उधर कभी अमेरिका में, हाँ उस समय भी यही थे बहन कैलेंडर सारे चूतिया समझ रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट, अमेरिका में बात कर लो। समझ इसे भी लेके जाओ बहन कैलेंडर को, चलो ए, ओए मोदी इजराइल में कॉन्फ्रेंस है। मोदी कैबिनेट इजराइल में कॉन्फ्रेंस है, चल बे चला जा। कह रहा कौन सी कॉन्फ्रेंस है? ली 20। उसके बाद डी 20। तो रुक तो सही, तुम्हारा पाकिस्तान निकालता हूं तुम्हारे में से, मिफ्ता इस्माइली, दस्तगीर खान और ख्वाजा आसिफ, इसे ढूंढ जरा पाकिस्तान में, इनका मैं तुम्हारा राजा महाराजा बनाता हूं, तुम रुको तो सही, मैं बताता हूं तो मुझे पैसे से मतलब, मुझे कोई लेना देना नहीं है। चलो भाई सिख रेजिमेंट, इन तीन बंदों को ढूंढो पाकिस्तान में, मिफ्ता इस्माइली, ख्वाजा आसिफ और दस्तगीर खान, हाँ बोलो इधर आ जाए बाहर, असेट लिख, पैसा रिकवर पूरा, हाँ हाँ पूरी असेट आ रहा है ये मेरे से, बिल्कुल आ रहा है, पूरी असेट हार गया मेरे से, मिफ्ता इस्माइली, दस्तगीर खान, ख्वाजा आसिफ, हाँ भाई इंडोनेशिया में कौन है, इंडोनेशिया का राजा कौन था बे, और सेकंड किंग, चलो अच्छे बच्चा बन जाओ सब, ये तो मैं बताएंगे मैं बताऊंगा वहां होने क्या वाला है। जब वॉशिंगटन में काटने शुरू किए ना बंदे, एनवाईपीडी वाले देख रहे कह रहे यह बंदा पकड़ा कैसे, वो सोच रहे हैं कोई जादू वादू दिखाएगा जादू घंटा, कह रहे ये गया वक। बंदे कहते जा रहे गचा गचा, एनवाईपीडी वाले उधर मुंह करके खड़े हो गए, कह रहे नहीं ऐसा नहीं हो सकता, दिस इज अमेरिका यार, हमें ही पता है अमेरिका है भाई कॉन्ट्रैक्ट है, हमारी टीम ने क्या करा क्लियर कर करा करके वापस आ गए, सऊदी के आग लग गई क्या, ऐसे कैसे काट दोगे भाभी, मैं तू चिंता मत कर वही आगे बताएंगे तेरे को। 32,000 लिख लो भाभी किंग जानते हैं, हाँ अलवाब, सऊदी में जाके किसी से पूछ लो अलवाब कौन है, हाँ नाम वहाब वहाब सब बता देंगे, पूरी लिस्ट देंगे वो,
हाँ, अल्पाप से 32,000 ट्रिलियन US डॉलर लेना है। सबसे पहले गोल्ड रिकवर होगा, नलके पलके सब खोल लाओ। बहन के लोड़े गांड धोने के लिए तेरी माँ पागल समझ रहा है। हाँ, वो लेटरिंग वाली सीट वीट सब दो छोड़ना, उसी से धुलवा दो बहन के लड़के से। गला गुरु का कोल्ड बार बनाओ। चल बे चूतिया समझ रहा है, बल्ब बल्ब सब खोल लाओ। क्या बात हो गई है, निमिफ्ता इसमें वाली बात कर रहा, क्या बात हो गई। तो तेरे हिंदी समझ नहीं आ रही, इज्जत हजम नहीं हो रहे तेरे है, तेरे इज्जत हजम नहीं हो रही थी। तू भूल गया मैं कौन हूं, तू भूल गया मैं कौन हूं। मैं अब याद दिलाऊंगा ना तुम लोगों को, सिख रेजिमेंट मिफ्ता इस्माइली पाकिस्तान में, दस्तगीर खान, ख्वाजा आसिफ, इन तीन को ढूंढना है, बैठा लो प्यार से। और कोई पीछे नहीं बोलेगा भाई हमारी पैसे की रिकवरी का मामला है, बोलो डायरी में एंट्री हो रखी होगी चक्रवर्ती सम्राट महाराजा विक्रमादित्य हितेश के नाम से, असर तुम आ रहे हो, कुछ भी हो जमीन बिल्डिंग सब हमारी A to Z लिख लो, सब जगह सिक्योरिटी सिख रेजिमेंट की लगेगी। चलो, और जो पैसा रिकवर होगा ना वो वर्ल्ड बैंक भेज करके गोल्ड ले लेना है उसका, ठीक है। जो कैश रिकवर होगा इसराइल में भी, जो कैश रिकवर होगा उसके बंडल बना करके वर्ल्ड बैंक भेज देना है, गोल्ड गोल्ड ले लेना उसका बस। और गोल्ड अपना ला करके RBI भरते जाओ, RBI में इतना इतना गोल्ड भर दो, समझ में आए कि गोल्ड जो है RBI के बाहर भी रखना पड़े, पूरा लाल किला भरे। हाँ, वो ईटों के ट्रक मेरे से कह रहा है, एक बंदा कह रहा है महेंद्र भट्टे वाले जान करता, कह रहा है ईटों का काम कर ले। मैंने कहा कह तो यार तू सही रहा है, पर कौन सी, एक ने दिखाई वो लाल ईटे, मैंने कहा ये इसमें कमाई नहीं है, दूसरे ने दिखाई सफेद ईटे, मैं कह रही इसमें भी कमाई नहीं है। कह रहे देश भाई फिर क्या सोच रहे हो, मैंने सोने की ईटों के काम कर ले। हाँ मेरे भाई साहब ट्रक चलते हैं सोने की ईटों के। महेंद्र भट्टे वाला होगा भाई कोई, मैं नहीं जानता। समझ में आई, बाबी किंग से। और बाबी किंग से है पैसा 32,000 ट्रिलियन US डॉलर, तो उससे क्या हो गया, अब उसके बाद भी दूसरी कवरी पता है क्या है, वहां जाके एक ही बात कहनी होती है आपको, हम लोग हैं, हमें भेजा है चक्रवर्ती सम्राट महाराजा विक्रमादित्य हितेश ने, यदि आप राजा महाराजा हैं तो अपनी संपत्ति बताइए, यदि आपकी संपत्ति उनसे ज्यादा पाई गई तो हम अपनी संपत्ति छोड़ देंगे, यदि आपकी संपत्ति उनसे कम है तो आप हट जाइए, आप राजा महाराजा के सिंहासन पर नहीं बैठ सकते हैं। यह आदेश अयोध्या श्री, जी हाँ, प्रभु श्री राम के दरबार से आया है, ठीक है। चलो, हाँ भाई साहब ये नियम है, चक्रवर्ती सम्राट महाराजा विक्रमादित्य हितेश मैं हूँ भाई, आ रहे हैं सबके सब, बिल्कुल आ रहे हैं, रिकवरी ऑन है, बिल्कुल ऑन है। वाह भाई वाह, ढूंढो मिफ्ता इस्माइली को, चाहे इसका फार्म हाउस हो, चाहे इसकी गाड़ियां हो, चाहे इसका घर हो, चाहे इसका ऑफिस हो, हमें कोई मतलब नहीं है, हमें कोई मतलब नहीं है। सिख रेजिमेंट सब जगहों पे आपकी सिक्योरिटी लग जाएगी, अपने कब्जे में लो। दस्तगीर खान और ख्वाजा आसिफ को ढूंढना है, सारी संपत्ति, ठीक है। उसके बाद पाकिस्तान के बाकी जितने राजा महाराजा हैं हमें कोई मतलब नहीं, तू गवर्नमेंट चलाता रहे पाकिस्तान, हमें मतलब नहीं है, ना हमें वहाँ के प्रधानमंत्री से मतलब है, ना वहाँ के राष्ट्रपति से मतलब है। ये बात हो रही है किंग्स रिजीम में, ठीक है, किंग्स रिजीम में बात हो रही है, इसके बाद नहीं सुनेंगे हम कोई, हम नहीं जानते आपकी राजनीति क्या सोचती है, आपकी आर्मी क्या सोचती है, ये बात आपके और हमारे बीच में है। सिख रेजिमेंट, रेजिमेंट रिजीम्स की होती है, क्या रेजिमेंट रिजीम्स की होती है, समझ में आ गई, दोबारा नहीं बोलूंगा कुछ, ठीक है जी, शुरू हो जाओ।
इसके बाद नहीं सुनेंगे हम किसी की। यूएसए में इवेंट का ट्रंप फोन कर लेगी, अपने आप बात कर लेगी, मैं देखता हूँ मेरे से क्या बात होती है। तो मैं क्या करूँ, खाना वाना क्यों नहीं खा रहे, मैं क्या करूँ उसमें, खा ले गुरुद्वारे में जाकर लंगर खा ले का, अमेरिका में गुरुद्वारा नहीं है। इवेंट का ट्रंप को कह रहा हूँ तो वहां बैठे खा ले जाकर के तसल्ली से है। तो क्या हो गया है, अमेरिका में गुरुद्वारे नहीं है क्या, बहुत है वो जाकर लंगर खा ले और क्या, कितनी सी बात है, चालू हो जाओ।